3 दिन से लापता अखबार होकर जितेंद्र को खोजने में पुलिस ने हासिल की बड़ी कामयाबी। दिल्ली में गुरुद्वारे के पास से किया बरामद। पिछले 3 दिनों से पुलिस की 3 टीमें लगी हुई थी कार्यवाही में। प्रिय दर्शकों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में। मैं संजय कौशिक। करीना से पिछले 3 दिन से लापता अखबार बांटने वाला लापता युवक दिल्ली में मिला। लापता युवक जितेंद्र पुत्र राकेश कुमार सोमवार को सुबह 5 बजे घर से निकला था और उसके बाद लापता हो गया था। जितेंद्र की बाइक और अखबार गांव सुंदरा के नज़दीक नहर के पास मिली थी और अखबार भी बिखरे हुए थे, जिससे सनसनी पैदा हो गई थी। जितेंद्र के लापता होने के बाद पुलिस की 3 टीमें लगी हुई थी। जितेंद्र को दिल्ली से बरामद करके करीना पुलिस अपने साथ ले आई। पुलिस ने बुधवार की रात को परिजनों के साथ जितेंद्र को अपनी कस्टडी में ले लिया। आज जितेंद्र से सारी पूछताछ करके मामले का खुलासा हुआ कि आखिर जितेंद्र किस प्रकार और क्यों अपनी मोटरसाइकिल और अखबार छोड़कर लापता हो गया था। मामले का खुलासा करते हुए करीना SHO कृपाल सिंह ने बताया कि पुलिस की टीमें लगातार जितेंद्र को खोजने में लगी हुई थी। पुलिस को कड़ी मशक्कत के बाद जानकारी मिल पाई है कि जितेंद्र दिल्ली में है। दोंगड़ा चौक के इंचार्ज हरीश के नेतृत्व में पुलिस ने आज बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जितेंद्र को दिल्ली से बरामद कर लिया। SHO कृपाल सिंह ने बताया कि पूछताछ में जितेंद्र ने बताया कि वह कर्जवान होने के कारण अपनी मर्जी से गया था। उन्होंने यह भी बताया कि जितेंद्र को दिल्ली से खोजकर पुलिस अपने साथ ले आई है। उसे आज न्यायालय में पेश कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रकार की ताज़ा खबरों एवं लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जनाब, ये जितेंद्र जो लड़का भाग गया था सोमवार को, इसकी क्या वजह मिली? ये लोगों से काफ़ी पैसे ले रखे इस लड़के ने, कुछ कर्ज ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ से गया है। तो यहाँ कहाँ मिला ये लड़का आपको? ये दिल्ली मिला। परिवार बार बार कह रहा था पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस काम नहीं कर रही, रोड पे उतरने की बात कर रहे थे, तो अब क्या डिसीजन मिला? नहीं, परिवार तो देखो रोड पे उतरने से कोई समाधान नहीं होता है। हम लगे हुए थे और हमने जल्दी ही इसको जो है बरामद कर लिया दिल्ली से कल रात को। आज इसको कोर्ट में पेश करेंगे, 164 की बयान कराएंगे इसके, उसके बाद जैसा भी। तो क्या वजह मिली जनाब, इसके बारे में कुछ बताओगे? बताया तो आपको, वो इसका कर्जा, इसने लोगों से पैसे ले रखे हैं, जिसके दबाव में आकर इसने जो है ये निर्णय लिया, भाई घर से चला जाता हूँ मैं और